हसीना मलिक, हसीना मलिक कहाँ है? हसीना मलिक जय 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 जय। क्या जय, आपको पता है आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है और आपको जवाब देना होगा। और हर बार की तरह मैं आपका कोई झूठ नहीं सुनूंगा, ये बात समझ लो आप। मैंने हमेशा आप लोगों की बात मानी, मानी है कि नहीं मानी? जब मानी है तो आप भी मेरी बात माने ना। जब मैं कह रहा होता हूँ कि कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा होता है, आप समझते हैं? सर देखिए, ये सब झूठ है, ये सरासर झूठ है। ये इस बात को एक सनसनी खबर बनाने की ये मीडिया की सिर्फ एक ट्रिक है सर। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना सर कि मीडिया वाले क्या करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। बस यही हो रहा है यहाँ पर सर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके थाने में कोई झूठी रिपोर्ट दिखाई नहीं गई? हाँ सर, हम यही कह रहे हैं, हमारे थाने में झूठी रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा सकती, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब जानते हैं। तब तो आप ये भी कहेंगे कि जो है रिपोर्ट लिखाने वाली आपकी रिश्तेदार। नहीं जी, और वो आपकी खाला नहीं है? नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे हैं, वो हमारी खाला है और उनके साथ सच में ये चेन स्नैचिंग वाला केस हुआ है। ये बात आपकी बिल्कुल सच है, इनफैक्ट हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात मान कैसे ले, हमें बताइए सर। क्योंकि हम कह रहे हैं, देखिए सर, हम हमारी तफ्तीश बिल्कुल जारी है, हम बहुत जल्द से चोर को पकड़ भी लेंगे और मीडिया के सामने पेश भी करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाह। अरे भाई, तब तो मीडिया बड़े आराम से उसे पुलिस का ही और पुलिस के ही झूठ की अगड़ी कली, पुलिस के ही झूठ की अगली कड़ी मान लेगी। हम सब जानते हैं सर, अब हम क्या करें, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना अपनी खाला को कि नहीं, आपका केस हम नहीं लेंगे क्योंकि आप हमारी खाला हैं और इस बात से मीडिया और जनता को बुरा लगेगा। अब अगर यहाँ कोई कंप्लेंट करवाने आएगा तो हमें FIR दर्ज तो करनी होगी, और वही किया है हमने सर। और करिश्मा सिंह तफ्तीश कर रहे हैं, उनकी तफ्तीश से हम ये साबित कर देंगे कि हम सही हैं और मीडिया वाले। सीन के बारे में ऐसा बताऊंगा कि जो यहाँ पे महिला थाना में है, यहाँ बहुत मतलब बड़ी मुश्किल में है, ये लोग बड़ी परेशानी में है, क्योंकि यहाँ पे मतलब FIR सच है लेकिन झूठी FIR लिखाई गई है, इस तरह की बातें हो रही हैं। और इसकी वजह से DSP बहुत नाराज़ हो गया, गुस्सा हो गया, उसको लग रहा है कि इन्होंने सचमुच कोई झूठी FIR लिखवा दी है और ताकि हम बच जाएं, तो उसी के लिए ये सब चल रहा है। हाँ, मीडिया वाले आए हैं, मीडिया वाले यही पूछ रहे हैं कि भाई झूठी FIR क्यों लिखवाई, मतलब अपने ही रिश्तेदारों को बुला के झूठी FIR लिखवा दी, तो वही बोल रहे हैं। मीडिया तो खैर भाई अपना माल मसाला के लिए सब कुछ करती है, लेकिन फंसते हैं लोग, है ना। हाँ, तो वो मज़ेदार है, वो आप लोग देखिए, अभी क्या बताऊँ मैं, है ना। हाँ, आगे ट्विस्ट एंड ट्विस्ट जैसे ही आता रहेगा आप लोग को बताते रहेंगे। अब फैंस के लिए ये मैसेज है कि आप लोग बस इसी तरह से शो को देखते रहिए और मज़े लेते रहिए, और हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मतलब 100% एंटरटेन, मतलब आपको कहीं से भी ऐसा ना लगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा, पूरी कोशिश करेंगे। क्या बोल रहे हैं? चैनल आईडी